हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केबल ट्रू ट्रे का जो रूट होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। देखिए, केबल रूट का अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते, एज ए पर ड्रॉइंग भी कर सकते हैं। ये सब होता है ड्रॉइंग के हिसाब से, बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है जो आपको एकदम एग्जैक्टली ड्रॉइंग के हिसाब से ही करना रहता है। पर जो ड्राइंग बनाता है वो साइड विजिट नहीं करता है, सिविल का सिर्फ ड्राइंग देखता है और उसके बाद एज पर साइड कंडीशन नहीं देखा रहता है। तो बहुत बार जो होता है ड्राइंग के अलावा उससे चेंज करके अपने को काम करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे कुछ बातों को ध्यान दिया जाता है साइड पे, क्योंकि आपको क्रॉसिंग नहीं ज़्यादा होना चाहिए, जो सिविल का दीवार है वो ना टूटे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि आपको क्रॉसिंग जितने करेंगे उतना ही प्रॉब्लम है और आप दीवार तोड़ेंगे सिविल में, ये तो टाइम वेस्टेड है। जब आप इंडस्ट्री में या साइट पे काम करते हैं तो देखिए, जो हेड ऑफिस में बैठे रहते हैं वो बैठे बैठे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी मतलब नहीं, वो टेक्निकली करेंगे, बट फिर भी आपको एज पर साइट जो सिचुएशन होता है वैसा नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग को भी केबल रूट में चेंजेस किए हैं और आप केबल रूट चेंज करते हैं, बेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब बेटर आपके पास आइडिया है केबल रूट चेंज करने के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हेड ऑफिस से उसको चेंज करवा लीजिए ड्राइंग में, तो वो चेंज कर देते हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा चेंजेस किया है, क्या किया है आप कमेंट करके बताइएगा, जो चेंजेस किए वो अच्छा है कि नहीं, और ये जो हम लोग केबल रूट बनाए हैं या केबल का बेंड किए हैं वो सही है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल से वीडियो हमेशा अपलोड करते ही रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग केबल रूट का मार्किंग कैसे हुआ है और कैसे हम लोग केबल रूट डाले हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे और देखेंगे, ये हमारा केबल रूट है और यहीं से केबल हम लोग ले जा रहे हैं। तीन हम डाले हैं, एक पावर का, एक कंट्रोल का और एक इंस्ट्रूमेंट का है। ठीक है, तो ये केबल है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना बेंड अपस्टेक जैसा हम लोग बेंड बनाए हैं। और इसको क्यों डाले हैं कि जैसे एक फिर फ्रंट में स्वीप देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो केबल आ रहा है यहाँ से अंडरग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग केबल लेके आएंगे सीधा और यहाँ से उसके बाद से जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उठा लेंगे। और यहाँ पे उठाने का रीजन भी था, देखिए हमारे पास जो MPS है एक, तो MPS में किधर भी केबल जाने वाला है, तो हमारे पास सेंटर में यहाँ तक केबल लाएंगे, एक सिर्फ लेफ्ट कर देंगे MPS के लिए और यहाँ से हम लोग ले लेंगे अपने ग्रिड चैम्बर के लिए। देखिए मैं यहाँ से उठाया हूँ क्यों, क्योंकि ये भी अभी आपको दिखाऊंगा, ऊपर अभी चलूंगा वो जगह भी दिखाऊंगा आपको। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे तोड़ क्यों नहीं दिए, आप यहाँ पे तोड़ क्यों नहीं दिए, तोड़ने का रीजन है, हम तोड़ भी सकते थे वो, फिर अब क्या है कि वहाँ पे 150 से 200 का आपको थिकनेस का वहाँ पे RCC किया गया है, तो वहाँ पे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है और टाइम हमें लग रहा था, और साथ ही में आपको तोड़ रहे हैं अगर तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए भी हम नहीं तोड़ सकते थे। दूसरी चीज़ हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पर हम लोग लेके जाते और यहाँ से फिर यहाँ पर ब्रेक करना पड़ता, तो वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और यहाँ के बाद हम साइड में भी एक ले जा सकते, फिर वहाँ पे भी नहीं ले गए। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं ऊपर भी चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बेंड बनाया गया, तो आप जरा ऐसे देख के बताइए मुझे कि ये जो बना हुआ है केबल ट्रे का रूट वो सही है कि नहीं। इसको हम लोग साइड से भी देख लेते हैं, तो साइड से भी आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे साइड से आपको दिख रहा है पूरा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया है, एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, और तीसरा सपोर्ट देखिएगा तो टॉप से नीचे दिया गया है। ठीक है, मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये जो दिया गया है सपोर्ट देख रहे हैं ऊपर से नीचे दिया गया। रीज़न क्या था कि अगर ये आप सपोर्ट ऐसे नहीं देते तो आपका जो यहाँ पे जैसे ये नीचे से ऐसे आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर उठाए वो शॉर्ट पड़ जाता, और शॉर्ट पड़ता तो केबल आप अच्छे तरीके से नहीं बांध पाते। अब इसको हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, और जगह पे भी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलेते हैं थोड़ा टॉप पे, यहाँ ग्रिड चैम्बर के ऊपर से देखते हैं। तो जो हमें केबल लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे सीधा देखिए उठा रहे हैं, और यहाँ पे उठाने के बाद से देखिए यहाँ पे तीनों लेके गए हैं। और एक और रीज़न चीज़ है कि आप जब देखेंगे कि ये जो ट्रे उठाया गया है तो उसके बाद से यहाँ पे ऊपर पैकिंग के जैसे लगाया गया है, इसका भी मतलब है रीजन से दिया गया है, ऐसे ही नहीं लगाया, क्योंकि जब भी केबल उठेगा तो यहाँ पर ईजिली हम लोग उठा सकते हैं, उस समय जो हमारा केबल है ऊपर नहीं भागेगा और बांधने के लिए पूरा मतलब टाइट रहेगा, और यहाँ पे मतलब जो भी केबल रहेगा वो बढ़िया से मतलब लेइंग रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे उठाया गया, और यहाँ पे जो हम लोग केबल लेके जाने वाले हैं एक इस क्लासिफायर के लिए और उसके बाद से ऑर्गेनिक के लिए, यहाँ पे स्क्रेपर है, फिर वहाँ पे स्क्रेपर ऑर्गेनिक और क्लासिफायर है, तो इसके लिए जाने वाला है। तो अब एक चीज़ सवाल हो सकता है कि जो हम लोगों का जो रूट है मोटर का, एक दो
तीन चार, एक रूट में चार है, तो हम लोग केवल यहाँ से रूट भी उठा सकते थे, पर यहाँ से एक उठाने में प्रॉब्लम आता कि जो यहाँ पे हमारा पुश बटन लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये लाइटिंग लग रहा है, पोल लाइटिंग है, पोल है इसका, और वहाँ पे देखेंगे तो हैंड रेलिंग आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे सेंटर पे हमारा हैंड रेलिंग आ जाएगा। अगर उठाते हम तो किसी को सपोर्ट लेना पड़ता, हम यहाँ से जा सकते थे या इधर से तो जा नहीं सकते क्योंकि मोटर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रहा है, एक यहाँ पे पुश बटन आ रहा है, यहाँ पे एक पोल लाइट आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल करने का रीज़न ये था कि हमारे पास केबल तो सेम ही लगने वाला है। अगर हम यहाँ से केबल लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए इसको वहाँ से लेके ऐसे आके अगर यहाँ उठा के फिर ऐसे करते हैं तो भी केबल सेम लगने वाला है, और यहाँ से हम उठा के करेंगे तो भी केबल सेम ही लगने वाला है। इसलिए हम लोग ये डिसाइड किए और यहाँ पे फ्लोर टाइप का सपोर्ट बनाएंगे। अभी जैसे एक ट्रे यहाँ पे रहेगा, दूसरा ट्रे उसके ऊपर, तीसरा ट्रे उसके ऊपर रहेगा, तो ये आराम से ये फ्लोर टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। अभी वो भी बनने वाला है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ये सब है, उसके बाद सपोर्ट लेके जाएंगे यहाँ से, फिर हम इसके साइड में भी पूरा जाके केबल रूट बिछा देंगे। कहीं पे क्रॉसिंग नहीं होगा, एक जगह क्रॉसिंग है, इसके ऊपर हम लोग कवर लगा देंगे तो ये भी फिनिश हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये सब कंप्लीट हो जाएगा और ये सब कुछ अच्छा दिखेगा। कहीं पे क्रॉसिंग नहीं होगा तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। तो एक जगह हम लोग और चलते हैं, एक जगह और ट्रे लगा हुआ है। ठीक है, इसके अगर बात करूँ मैं ड्राइंग के हिसाब से, तो इसमें क्रॉसिंग बहुत हो रहा था, जैसे इसमें भी केबल ले जाना है तो क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉसिंग मतलब ब्रेकिंग भी बहुत हो रहा था। क्रॉसिंग चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि उसके ऊपर जो क्रॉसिंग था ये टाइल्स आ जाएगा हमारा 50 mm का, और जो केबल ट्रे का हाइट था वो 50 mm ही है, और ये लगभग 50 mm का हमारे पास ये जो टाइल्स है वो आ जा रहा है, तो ये तो कवर मेंटेन हो जाएगा, मतलब लेवल में ही रहेगा, बस ऊपर से कवर लगाना रहेगा तो क्रॉसिंग में नहीं काउंट होगा। जहाँ पे ब्रेकर बन रहा, ब्रेकर के जैसा काम करा, उस समय ना आपको ट्रे का जो भी आप लगा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होता है कि हाँ क्रॉसिंग हो रहा है। तो चलिए एक जगह और लगाए हैं केबल ट्रे, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए कि केबल ट्रे यहाँ से भी नीचे लेके आए हैं, वैसे ही अपसेट जैसा है उसको ऊपर हम लोग लेके आए हैं और सपोर्ट बनाए हैं, जैसे सेम आपको दिख रहा था। और देखिए अभी जो केबल आपको ट्रे ऐसे दिख रहा है वो अब भी सब अच्छा दिखने लगेगा जब पेंट हो जाएगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हुआ है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, पेंटिंग के बाद से सब कुछ अच्छा लग जाएगा। और जो मैं आपको बोल रहा था कि 50 mm जो हमारा ये हाइट है केबल ट्रे का और टाइल्स का हाइट, देखिए लगभग मैच हो रहा है यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा पास से देखेंगे हम लोग तो देख रहे हैं आपको सब मैच हो जा रहा है, यानी कि ये लेबल जो है आराम से आपको मिल जाएगा। ऐसे देखिए आपको पूरा जैसे है उतना में ही आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा आपको। अब यहाँ से हम लोग केबल ट्रे यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद से फ्लोर टाइप का बना देंगे। जैसे मैं सपोर्ट बनाया हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि सपोर्ट कैसे इसका बनाया गया फ्लोर टाइप का, और कुछ लगाया भी हूँ एरिया में तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये केबल ट्रे है तो देख रहे हैं, एक पावर के लिए, एक कंट्रोल के लिए और एक इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाएं, तो ऐसा ही हम लोग बना देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, आपको रूट थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों रूट कैसे बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। अगर आप भी बेस्ट करते हैं तो आप अपना फोटो भी शेयर कर सकते हैं अपने रूट का कि कैसे बनाए हैं, और केबल का कैसे आप लोग बेंड बनाते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।